काफी अहम रहने वाले हैं। इसीलिए बंसल न्यूज ईएनए में एक हर एक खबर का विश्लेषण आपके सामने रखेगा। तो चलिए आज जानते हैं क्या है चुनाव में खास और क्या है इनका एनालिसिस। तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट भी मध्य प्रदेश में जारी कर दी है। बीजेपी ने अब तक 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एमपी के चार बड़े शहरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बीजेपी ने दाव खेला है, लेकिन वो दाव किन पर खेला है वो भी देख लेते हैं, वो भी समझ लीजिए कि कौन कौन प्रत्याशी रहे और कौन से वो चेहरे रहे जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हालांकि भरोसा जताना इतना आसान नहीं था, काफी मशक्कत इसको लेकर की गई है। हुजूर सीट से रामेश्वर शर्मा को मौका दिया गया है, तो वहीं बैरसिया से विष्णु खत्री के नाम की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम सीट पर अभी नाम ऐलान होना बाकी है। तो वहीं भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को मौका दिया गया है। तो भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह का नाम तय कर दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सीट में ये नाम तय किए हैं। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर, दक्षिण पश्चिम सीट से अभी फिलहाल नाम का ऐलान होना बाकी है। बाकी और क्या कुछ है इधर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आप इधर से समझिए देखकर कि किस तरह से कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिन पर दाव बीजेपी ने खेला है। अब ये माना जा रहा है कि ये कितना सटीक दाव बैठेगा। हालांकि इसमें से कुछ पुराने चेहरे हैं, जैसे नरेला से विश्वास सारंग, उनकी वो एक पैतृक सीट मानी जाती है। वहीं बैरसिया से विष्णु खत्री एक बार फिर से मैदान में होंगे, हुजूर से रामेश्वर शर्मा फिर से मैदान में होंगे, तो भोपाल उत्तर से इस बार आलोक शर्मा को दावेदार बनाया गया है। तो वहीं भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को मौका बीजेपी ने दिया। तो ये भोपाल की वो सीटें थी जहां पर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में इनके नाम घोषित किए हैं। इसके अलावा हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने दाव किया। चलिए अब बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 6 नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। अपनी दूसरी लिस्ट में 6 नामों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं इंदौर 3 में, इंदौर 5 में और महू सीट पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, उन पर ऐलान होना अभी बाकी है। तो हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो इंदौर से, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला का नाम सामने आया है, इंदौर 4 से मालिनी गौड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो साबिर सीट से तुलसी सिलावट का नाम सामने आया है, राव विधानसभा से मधु वर्मा को फाइनल किया, तो वहीं देपालपुर से मनोज पटेल उम्मीदवार रखे गए हैं। तो इंदौर की 9 में से 6 सीटों पर घोषणा हो चुकी है, 6 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। तो भोपाल के बाद इंदौर की भी 9 सीटों में से 6 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से अगर बात करें तो रमेश मेंदोला को मौका इस बार बीजेपी ने दिया है। और चलिए कुछ और समझते हैं, तस्वीरों के जरिए समझिए आप, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौड़, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 1 से पहले ही उनका नाम घोषित हो चुका है, उसके बाद मनोज पटेल, देपालपुर से मनोज पटेल का नाम सामने आया है। तो ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिनमें से कुछ पुराने कार्यकर्ता रहे, पुराने साथी रहे और वर्तमान में कुछ विधायक भी हैं, उनको मौका बीजेपी ने दिया है। हालांकि अभी 3 सीटें यहाँ पर इंदौर क्षेत्र में बची हुई हैं, उन पर भी कसमकस बनी हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अब बीजेपी ने यहाँ पर दाव जो खेला है वो कितना काम आने वाला है बीजेपी के लिए। इंदौर से ये उम्मीदवार हैं। चलिए कुछ और सीटों के हाल चाल समझते हैं, जानते हैं किस तरह का राजनीतिक माहौल सेट किया गया है, किस तरह की जो बिसात है वो बिछाई गई है। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं। ग्वालियर में 6 में से 4 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। दक्षिण भारत, ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व से ऐलान अभी नहीं हो पाया है। ग्वालियर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, डबरा सीट से एक बार फिर से इमरती देवी को बीजेपी ने मौका दिया है। तो बितरवार सीट से मोहन सिंह राठौर पर भरोसा जताया है, घाटी गांव के क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उसी क्षेत्र से मोहन सिंह राठौर आते हैं। तो अब बीजेपी ने ग्वालियर क्षेत्र में जिस तरह से खास तौर पर जो सिंधिया समर्थक यहां पर झलक इन प्रत्याशियों में देखने को मिली है, ज़्यादातर लोग ऐसे रहे जो सिंधिया समर्थित रहे, चाहे वो
प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, इमरती देवी हों, मोहन सिंह राठौर हों, तो वहीं भारत सिंह कुशवाहा माना जाता है कि ये नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आते हैं और इन पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर ग्वालियर की सीटों पर जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, चौथी लिस्ट में इनके नाम सामने आए हैं। तो छः में से चार सीटों पर ग्वालियर में नाम फाइनल कर लिए गए हैं, दो सीटों पर फिलहाल अभी पेच फंसा हुआ है। ये माना जा रहा है कि उन सीटों पर भी काफ़ी दिग्गजों की नज़र टिकी हुई है। तो अब किसको वो मौका मिलेगा और वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, ये तो अब बीजेपी की अगली लिस्ट में ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ग्वालियर में छः में से चार सीटों पर ऐलान हो चुका है। चलिए अब ग्वालियर की सीटें भी समझ लीजिए। ये देखिए, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, डबरा से इमरती देवी, हालांकि ये 2020 का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव में हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है। इसके अलावा भितरबार से मोहन सिंह राठौर, मोहन सिंह राठौर भी सिंधिया समर्थक ही माने जाते हैं। और अब इन जो नाम सामने आप देख रहे हैं, इन पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी भी कुछ सीटें ऐसी बची हुई हैं, यानी कि अगर ग्वालियर ग्वालियर की बात करें तो दो सीटें ऐसी हैं जिन पर फिलहाल अभी कोई भी नाम तय नहीं हो पाया है। तो उनके नाम भी हम समझेंगे कि किस तरह से वो नाम तय हो पाएंगे और कितना उन पर भरोसा पार्टी जता पाएगी। तो चलिए बात अब जबलपुर की करते हैं। तो जबलपुर में आठ सीटों में से छह पर नाम घोषित हो चुके हैं। सीहोरा और उत्तर मध्य पर ऐलान होना अभी बाकी है। अगर बात बरगी सीट की करें तो नीरज सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पाटन सीट से अजय बिश्नोई का नाम तय किया है। पश्चिम सीट से सांसद राकेश सिंह, पनागढ़ से सुशील तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं कैंट विधानसभा से अशोक रूहाणी पर भरोसा जताया है। तो जबलपुर पूर्व पर अंचल सोनकर का नाम बीजेपी ने रखा है। तो अब आपको बता दें कि जबलपुर की सीटों छह सीटों पर नाम घोषित हो चुका है। तो अब सिहोरा और उत्तर मध्य होना फिलहाल बाकी है। अभी इन दो पर भी दावेदारों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन चेहरे कौन कौन से हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको बताते हैं जबलपुर की स्थिति देख लीजिए। ये जबलपुर के उम्मीदवार हैं, बरगी से नीरज सिंह को मौका दिया है, पाटन से अजय बिश्नोई को मौका दिया गया। तो वहीं अगर बात पश्चिम सीट की करें तो सांसद को मौका दिया गया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये इतना बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये दाव कितना काम करेगा। तो राकेश सिंह इस बार पश्चिम सीट से मैदान में है। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये चेहरे भी आप देख लीजिए। पनागढ़ से सुशील तिवारी, कैंट से अशोक रूहाणी, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर। हालांकि अभी जबलपुर की अगर बात करें तो दो सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। अब उन पर कौन से प्रत्याशी होंगे वो तो जब बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी, या हम ये कह सकें कि अब एक फाइनल लिस्ट आएगी, उसी में इनका नाम तय हो पाएगा। चलिए तो अब आगे भी और इस खबर को पूरा सा समझ लेते हैं। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 24 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं और वहीं 9 मंत्रियों के टिकट अभी होल्ड पर हैं। इनमें से 5 राज्य मंत्री और 4 कैबिनेट मंत्रियों की सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। तो इनमें सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। तो फिलहाल अभी इन मंत्रियों के जो टिकट हैं उनको होल्ड पर डाल दिया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जिन पर भरोसा अभी तक बीजेपी नहीं दिखा पाई है, और शायद ये माना जा रहा है कि इनके टिकट होल्ड क्यों किए गए हैं, क्या इनको पसंद नहीं आए हैं, या इनकी जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा है जाना है, या फिर इन पर ही अभी कुछ और मंथन किया जाएगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री, बृजेंद्र सिंह यादव पीएचई राज्य मंत्री, राम खिलावन पटेल, इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री, गौरी शंकर बिसेन नर्मदा घाटी विकास विभाग, ओपीएस भदौरिया नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री, सुरेश धाकड़ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री, यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री। हालांकि यशोधरा खुद एक पत्र लिखकर, हाईकमान को पत्र लिखकर चुनाव ना लड़ने की बात पहले ही कह चुकी हैं। तो ये वो नाम हैं, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, गौरी शंकर बिसेन, ये वो नाम हैं जिन पर अभी भी पेच अटका हुआ है। पेच अटका कैसे है ये भी समझ लीजिए। दरअसल जो सर्वे रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये माना जा रहा है कि फिलहाल इन जो
तस्वीरें जो आप देख रहे हैं या इन मंत्रियों की रिपोर्ट शायद सही तरीके से पॉजिटिव नहीं जा पाई थी, उसकी वजह से शायद इनके नाम रोक दिए गए हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनके टिकट पूरी तरह से कट गए हैं। हो सकता है कुछ और विचार चल रहा हो और इनके नाम या इनमें से बहुत सारे लोगों के नाम हमें अगली बीजेपी की लिस्ट में देखने को मिल सके। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई, कल जो लिस्ट जारी हुई तमाम वो सीटें रहीं जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कुछ 8 से 9 नाम ऐसे रहे जो वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। आखिर बीजेपी इन पर भरोसा क्यों नहीं जता पाई, या फिर ये मान के चलें कि थोड़ी देर से ही सही, हो सकता है इनके नाम अगली लिस्ट में आ जाए? देखिए, एक चीज तो पक्का है दिनेश कि जिन 7 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, 7 के 7 तो अब सूची में नहीं आएंगे। हाँ, इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। जैसे ओपीएस भदौरिया की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ओपीएस भदौरिया भिंड से आते हैं और ओपीएस भदौरिया पर कुछ सिकपा शिकायतों का दौर था। इस बीच में काफी उनको लेकर चर्चा भी बनी और जब उनका सर्वे कराया गया तो उतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं है, मतलब जो खबरें हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें सुधार की बात गुंजाइश कही गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि उपेश भदौरिया को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है महेंद्र सिंह सिसोदिया की। बड़े कद्दावर लीडर है, सिंधिया के बड़े नज़दीक माने जाते हैं और बीते कुछ दिनों से वो अलग अलग विषयों में चर्चा में बने रहे। तो रिपोर्ट ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विषय है जिनको लेकर कहीं पार्टी अचंभे में डर में है कि ऐसा ना हो कि चुनाव के दौर में यदि टिकट मिलता है तो ये पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा दे, तो इसलिए उनका होल्ड किया गया। उषा ठाकुर की यदि हम बात करते तो उषा ठाकुर महू से विधायक है, संभावना ये है कि इनको टिकट मिलेगा। एक तो महिला उम्मीदवार है, दूसरा इंदौर की 3 नंबर खाली हो गई है, जहां से ये रहने वाली भी उसी क्षेत्र की है, तो संभावना यह है कि इंदौर 3 नंबर से इनको टिकट दिया जा सकता। अभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाती तो अगली सूची में दिखाई दे सकते हैं। इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री है, इनकी रिपोर्ट बहुत खराब नहीं है, लेकिन किसी जातिगत समीकरणों के कारण, वहाँ की राजनीतिक समीकरणों के कारण इनको होल्ड पर रखा गया, तो संभावना है कि अगली जो सूची आएगी उसमें इंदर सिंह भी दिखाई दे सकते हैं। अगला जो नाम जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, सुरेश धाकड़, जो कि पोहरी से विधायक है और बड़े नज़दीक माने जाते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, बल्कि बहुत नीचे से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं जैसा कहा जाता है। तो कुछ सिकवा शिकायतें तो नहीं, लेकिन रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है जो जानकारी आ रही। हालांकि फील्ड में उन्होंने खूब काम किया है, तो उसके मद्देनजर शायद इनकी लॉटरी खुल सकती है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि आखिर जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट को एक आधार बनाकर अभी तक इन नामों को होल्ड पर रखा गया है, क्या इन पर कुछ और दोबारा से चर्चा हो पाएगी, क्या आने वाली लिस्ट में इनके नाम हो पाएंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अभी इन मंत्रियों के नाम होल्ड पर कर दिए गए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।